अच्छी बात है कि आप 2024 के संसदीय चुनाव में आप कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, वोट का चोट आप उसका एहसास उम्मीदवारों को कराना चाहते हैं, वो इधर का हो या उधर का हो, आपको न पार्टी से मतलब है न पौआ से मतलब है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ खुशहाली बोकारो का चाहिए, धनबाद का चाहिए और आम आदमी जो सोचता है, मतलब आप खुशहाल बोकारो नहीं, खुशहाल धनबाद, खुशहाल गिरिडीह आप चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट जो है वो आना चाहिए था, आज कोई सुगुघाट नहीं है कि आखिर उसका क्या हुआ, आप उसको हाईलाइट करना। उसमें एक चीज और है, अभी हाल में जैसे आपने कहा ना, जो हम लोग तो जब वायुदूत हुआ था उसी समय से शामिल साथ गए थे अनंत प्रसाद शर्मा के लिए, उस समय से और सो कनेक्ट किया जाए। हाल में जब फिर ये हुआ, बहुत सी चर्चा, बहुत लोग लगे थे, तो दुबे जी भी एक बार जब एंट्री थे तो हाथ जोड़ कर हमारे सामने में दूसरी बात को बोले कि बीएमपी में स्थाई दे देते हैं, वहाँ चले जाइए। उसके बाद जानते ही भाई वापस रेक के टाइम में बहुत अच्छा हुआ, जो कि वहाँ चले जाइए। अभी हमको लग रहा था जो कि ये क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता का तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत है ठीक है, तो आगे और होटल हटेगा, उसमें भी अब 6 महीना लगेगा, बहुत बड़ा टूटने के लिए इशूज है। अब भी फिर 1 महीना संजय सिंह जो एम्स का कर रहे थे प्रचार, एडवोकेट है, उनका एक स्टेटमेंट देखे, जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो ये है उसमें दे दिया है कि नहीं वाटर सीकर जो है सो बहुत वायबल नहीं होगा, इसलिए नहीं होता, मरीज नहीं चलती है तब तक यहाँ बोकारो में सर्विस नहीं होगा। अब इसकी जानकारी डीडीसी को हमने लिख के दिया, विधायक को हमने लिख के दिया, तो वही आप अपने प्रदेश के माध्यम से है ना, आप तो बता तो दीजिए लोगों को क्या है, क्या स्थिति है ना, तो भ्रम में मत रहे और सब लोग बच्चा पूछता है, तो ऐसे ऐसे मालूम होता है। दूसरा विषय, आप लगे हुए थे सेंट्रल ग्रुप लोग का, आप तो बहुत हम लोग तो गए भी थे जमीन पर, जब जमीन लिखा गया था तैनाव के बगल में, और उसके बाद देखे ही जो कि कमेटी बन गई थी, आप ही ने लिखा था जो जमशेदपुर वाला जो डेली स्कूल को मिला है वो करेगा, आज से 1 साल पहले लगता है लगभग, उसके बाद फिर आप बोले थे कि दे दिया है फिर उसी को बनाने के लिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भाई जानबूझ करके बोकारो के 10 प्रोजेक्ट, ये वो आपका एरोड्राम, आपका सॉफ्टवेयर पार्क बियागा में जो हम लोग भी गए थे वहाँ, आप लेटे सिद्धार्थ राय से आपके सामने में बात की, आपसे तुरंत भी गए थे हम, उसके बाद फिर बोले एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ से लड़का का ये होता, जैसे सेंट्रल टूल नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी पार्क, उसका एक ऑलरेडी ब्रांच हो जाता, इसकी लड़ाई हम खुद लड़े थे, गढ़वाली लड़ा था, भालू प्रताप विधानसभा को हल्ला किया, वो बोकारो स्टील से लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल होगा। साइंस सिटी से जो आप बोले, हाँ साइंस सिटी डॉक्टर हम सब जानता है, अब ठीक है, मैं आपकी बात लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, एक आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब देखिए हम एयरपोर्ट पर आते और आप वोट का चोट झा साहब एयरपोर्ट से शुरू की, कुछ लोगों का सुझाव है कि अगर दुंदीबाद हटने को तैयार नहीं है और वहीं पर बस रहना चाहता है तो उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, अंडरग्राउंड करने के बाद वहां की जो समस्या है समाधान हो जाएगी, और एयरपोर्ट को तो ओपन एरिया चाहिए, वहां पर तो कोई प्लेन उस पर लैंड नहीं करेगा। सुनिए मैं कह रहा हूं कि मेजर एरिया में, और दूसरी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जाता, मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कहना चाहता हूँ, सवाल सिर्फ बूंदी बात का नहीं, सवाल सिर्फ स्ट्रीट का लंबा नहीं होना, चारों तरफ जो तीनों तरफ जो खटाल का आतंक है वो भी अथॉरिटी चाहती है कि वहां से सिमट जाए। हम तो आज के तारीख में सुनिए, आज के तारीख में कोई सांसद खटाल से निष्क्रिय लेना चाहता, नाराज नहीं करना चाहता, कोई विधायक किसी को नाराज नहीं करना चाहता, भैया इसीलिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। और अगर इस देश इस जिले का बोकारो धनबाद और बोकारो का विकास और गिरिडीह का विकास अगर सांसद के भरोसे हो गया होता तो 5-5, 5-6 टर्म तक लोग सांसद रहे और क्षेत्र बहुत विकसित हो जाता, लेकिन नहीं हुआ,
इसलिए कि आप खुद बोल रहे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, चुनाव का समय है। झारखंड का ही एक सांसद है जो अपने प्रयास से अपने क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, उसके अलावा पूरे ईस्टर्न जोन में, पूरे पूर्वी भारत में किसी भी सांसद का नाम आप नहीं ले सकते। काहे? अर्थात विकास व्यक्तिगत प्रयास से भी होता है, वहाँ के लोगों की जन भागीदारी होनी चाहिए, वहाँ की इच्छा होनी चाहिए, आपकी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। नहीं, जैसे आप करते थे, आप करते थे, हम लोग करते थे मैनेजमेंट स्टडीज से, पूरे 50 आदमी बैठे थे, हर क्षेत्र के, बीआरआर के, एजुकेशन के, सबके लोग बैठे हुए रहते थे, है ना। अब वहाँ पर बैठ करके कि उन लोग जितना सोच होता था, हर एक सेंटर के बैठ के जो उनका होता था, और यही सिविल सोसाइटी था, इसका ड्यूटी करता था, जिससे हमारे वरिष्ठ दीपक पारिक वगैरह सांगी ये सब जितने थे, उन्हीं लोगों ने किया इतना लॉ कॉलेज, खासदार, DPS, तब ना हमारे बच्चे इतने अच्छे हुए जो देश विदेश में हैं। तो हम लोग अपने कर्तव्य को भुला गए, उसमें बड़ा रोल नहीं होने का कारण सांसद और विधायक का है, चूंकि हमको लगता है बीजेपी ये किया तो जैसे एक बार 1,00,000 लोगों से मिलना शुरू किए थे अमित शाह, तो चीफ से मिले थे, और फिर रामदेव वाला से हुआ था तो वहाँ तत्पर हो गया था, दूसरे बार अभियान छोड़ दिए। तो एक बब्बी जी भी वर्ग की बात सरकार और मोदी जी करते रहे शुरू में, लेकिन खास करके अलग थलग करता है। आज के आज की बातचीत को यहीं पर हम लोग विराम दें, और एयरपोर्ट के लिए क्या वर्तमान निवर्तमान सांसद रिस्पॉन्सिबल है, या वर्तमान विधायक रिस्पॉन्सिबल है, और आगे आने वाले जो सांसद होंगे किसी भी पक्ष के होंगे, क्योंकि लोकसभा तो सबकी होती है, उसमें कितनी जोरदार ढंग से ये बात रखेंगे, तो जनता का जो है वोट का चोट का असर अगर नहीं दिखेगा तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। धन्यवाद। हम लोगों का हम लोगों का 10 डेवलपमेंट का प्लान है, जहां आपने काम कहा, आपने काम किया, हम लोग गए सब जानते हैं सर, और जो लोग उसमें लगे हुए हैं बहुत से अपने साथी, उनसे सारा ध्यान और प्रशासन से लेकर के हम लोग सबके बात रखेंगे। जैसे अपने आप ही कहा अंतिम में, तो अभी अभी संजय सिंह लाए हैं राइट इन्फॉर्मेशन से, उसमें दे दिया 2.5 बुल नहीं है, और वहाँ कहा कि जब तक गृह विभाग नहीं आएगा, तो इतना सारा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, सब जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और 10 साल से 8 साल से नहीं हटेगा, जबकि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बन गया था। दूसरी बात है जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ बनारस का एक्सप्रेस वे है ना, पहले 6 लेन गोल्डन टेम्पल रबरदास बोले वो भी खत्म, स्टेडियम बोले वो भी खत्म, स्ट्रीट क्लस्टर आप लोग हम लोग बैठक किए थे, सेमिनार किए थे, मंच किए थे, वो भी नहीं हुआ है ना। तो हम लोग एक यहाँ के ग्राउंड वर्क इन लोगों को देंगे। और दूसरी बात है जो कि पार्टी सर हम आपको कहते हैं, पार्टी क्या करते हम बोले हैं बाबूलाल मरांडी को, अमित शाह को और मोदी जी को 2 साल से लिखते रहे हैं, दिखा देंगे, हम सबसे सुपर लिखा रहे हैं। तो आप अपने जो ऑब्जर्वर आते हैं पार्टी के या कोई एक एक्सपर्ट के लिए उनको दीजिए यहाँ, निशिकांत दुबे को यहाँ दीजिए, और हम लोग साथ बैठक कराइए मोदी जी, और हम लोग मिल के सकारात्मक ढंग से उसका समाधान करें। धन्यवाद, ये आपकी बहुत अच्छी रही और ये भी एक अच्छा शुरुआत है। धन्यवाद।